Assalamu alaikum everyone, we are back with another episode of our series Beyond Textbook. And today we have a consecutively teen attempts students are position holders. Hain. So without any further delay, I would like to introduce Sarajaz Khan. Sir Khan. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Shukriya, first of all, uh, uh, congratulations for starting this uh, podcast. And uh, I strongly believe that uh, uh, our youth hai, uh, they will benefit from this series of podcasts. Sir, start start with early life. When you were a student and then you started teaching. What was that journey? What challenges faced you from becoming a student of ACCA to becoming a teacher? Well, first uh, I never wanted... Uh, टू कम इन दिस फील्ड आई ऑलवेज वॉन्ट टू बिकम मैकेल इंजीनियर हाँ टीचिंग का शौक था शुरू से बट नॉट एज अ करियर आई ऑलवेज़ वॉन्टिड टू बिकम मैकेनिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर मैं एक चीज़ की वजह से बन बनना चाह रहा था कि जब मैं कंपेरिजन देखता था बिटवीन हमारी जो डिफेंस की कैपेबलिटी ओवर दी अदर्स तो मेरा शौक़ होता था कि मैकेनिकल इंजीनियर बनूँ और मैं आप आ जो वॉर हेड वॉर मशीनरी है जंगी मशीनरी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करूँ पाकिस्तान के लिए तो देट वॉज द मोटिव बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट गो इन टू दैट इंजीनियरिंग फील्ड देन फिर स्टार्ट सी ए सी सी एंड फाइनली मैं टीचिंग की तरफ आया एंड uh, मैं हमेशा जो है ना पहले सोचता था कि यार ये अगर मुझे टाइम मिल जाए वापस पीछे जाने का मौका मिले और मुझे अब ये चीज़ ठीक करनी पड़े तो मैं वापस ठीक करके मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा तो आई ऑलवेज़ यूज टू रिग्रेट दिस बट एक दिन मैं आ, एक सेशन कंडक्ट कर रहा था काउंसलिंग के ऊपर तो मैं उस सेशन के अंदर जो है ना मैंने बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन बताया जो इंटरमीडिएट के बाद बच्चे लेते हैं mm. कि यार ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना और जो आपका पैशन है ना उसको देख कर उसको चूज़ करना तो दैट डे आई रियलाइज के अगर अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे देता और मैं वापस पीछे जाता तो मैं सिर्फ एक इंसान की गलती ठीक कर पाता अब मैं इतने सारे इंसानों की गलती जो है ना होने से बचाऊंगा तो अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है जी, ये तो है अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ, तरफ चले जाते तो इतने अच्छे हमें शायद टीचर भी ना मिलते और सेकेंडली जो अब मैं काउंसलिंग करते वक्त स्टूडेंट्स को समझाता हूँ तो शायद मुझे वो मौका ना मिलता सर ये तो हो गया कि आप स्टूडेंट से टीचर की तरफ कैसे आए अब आपका टीचर टीचिंग करियर स्टार्ट कैसे हुआ उसको जो बूस्ट मिला होगा वो एक कहाँ से मिला असिस्टेंट uh, टीचर Uh, जो कैसे कहते हैं ना एक एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने अपने टीचिंग का आगाज किया ए सी सी पढ़ाने का uh, तो मैंने एज एन असिस्टेंट टीचर ज्वाइन किया था तो माई रोल वॉज टू गो इन द क्लास एंड रिवाइज मेक द स्टूडेंट्स रिवाइज द टॉपिक जो कि ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा है चुके। तो अब जब आप असिस्टेंट टीचर होते हो और फिर ऐसा टॉपिक पढ़ाने जाते हो जो ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ा होता है तो नॉर्मली लोग सीरियस नहीं होते हैं तो वन आई वेंट इन माई फर्स्ट क्लास वज मुझे पहली दफ़ा भेजा गया क्लास में तो एक टॉपिक है आई हैड टू रिवाइज़ दैट टॉपिक तो मैंने uh, वो टॉपिक जब स्टार्ट करा है, जब क्लास में गया तो द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वॉज थर्टी टू बट प्रेजेंट जो थे वो सिर्फ सेवन स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और वो जो क्लास का इन्वामेंट था और जिसमें कुर्सियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो कोई चेयर के ऊपर टांग रख के बैठा हुआ है किसी ने टोपी उल्टी पहनी हुई है कोई किस तरह बैठा हुआ है कोई किस तरह बैठा हुआ है अब जब मैं एंटर हुआ मुझे इन्वायरमेंट तो पसंद नहीं आया तो फिर मैंने कहा यार नहीं मेरा मैं असिस्टेंट टीचर हूँ तो वो जो एक पूरे टीचर वाला जो भरम है वो मैं नहीं कर सकता हूँ हाँ। वो और ज़्यादा हो जाएगा तो अब मैं क्या करूँ तो मैंने ना वहाँ पर जाना उनको कुछ नहीं बोला मैंने कुर्सियाँ ठीक करना शुरू कर दी तो मैंने कुर्सियाँ ठीक करना शुरू की तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ गलत है तो पर वो सही से बैठ गए खैर जब वो बैठे अब मैंने पढ़ाना शुरू किया नो बडी इज़ टेकिंग इंटरेस्ट क्योंकि उनको लगता था उन्होंने पढ़ाया तो मैंने कहा यार ये तो पढ़ नहीं रहे और इंसान जब तक मैंटली तैयार नहीं होता ना किसी से सीखने के लिए तो उस वो पर सीख नहीं सकता तो मैंने कहा पहले तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये लोग रियलाइज़ करें कि इनको नहीं आता ये वाकई तलब इलम बने तो फिर ये जो है ना वो पढ़ सकेंगे तो मैंने इनको ना अपना एक हैंड आउट मैंने बड़ा मुश्किल सा बनाया हुआ था तो मैंने उस टॉपिक कांड आउट के सामने रखा मैंने कहा आप ये सॉल्व करो अगर आपने कर लिया तो मीन्स आप लोगों को आता है नहीं किया तो फिर पढ़ना पड़ेगा तो मुझे पता था वो हैंड आउट वो नहीं कर पाएंगे सो आई गेव दैन हैंड आउट तो वो प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट की दो घंटे गुजर गए पहला सवाल ही नहीं हुआ अब जब नहीं हुआ तो जाहिर है अब दो घंटे तक वो थाट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है हमने जो पढ़ा है तो अब मैंने कहा कि अब आपसे नहीं हुआ ना अब हम नेक्स्ट क्लास में इनशाला पढ़ेंगे और फिर ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे सो वेन आई केम इन द नेक्स्ट क्लास देर वर ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स आउट ऑफ थर्टी टू सेवन से ट्वेंटी फाइव और वो सारे सीरियस हो गए पढ़ने के लिए तो इसमें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक छोटी सा वाक्य भी सुनाया करता हूँ कि एक बादशाह के मज़ार में ना सॉरी दरबार में एक मदारी आया तमाशा दिखाने के लिए तो बादशाह ने जब तमाशा देखा उसको बहुत पसंद आया तो उसने मदारी से कहा कि मुझे भी सिखा दो तो मदारी ने कहा मैं तो नहीं सिखा रहा तो बादशाह ने उसको बड़े लालच दिए जिस कि मैं ये दे दूंगा मैं वो दे दूंगा मुझे सिखा दो हाँ मैं तो नहीं सिखाऊंगा तो बादशाह ने उसको जेल में बंद कर दिया जेल में बंद करके अब रोज़ जो है ना उसको लालच दे और कह के भाई मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे सिखा दिया तो उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं सिखाऊंगा खैर आखिर बादशाह ने उसको कहा कि तुम बस जाओ आज़ाद कर दिया उसको अब वो जाने लगा पीछे से बादशाह भेस बदल के उसके पीछे पीछे गया और उसके घर पर जब पहुँचा तो उसको कहा कि भाई मेरा कोई ठिकाना नहीं है अपने पास रख लो तुम्हारा काम करता रहूँगा उसके बदले बस खाना देते रहो अब रोज़ बाद, बादशाह से वो काम करवाया जाए और बादशाह रह, रहता रहे अब एक दिन उसको ख्याल आया कि यार ये बंदा मेरा इतनी खिदमत कर रहा है तो मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है मैं मैं जो ये तमाशा मुझे आता है ये मदारीपन आता है ये मैं उसको सिखा देता हूँ तो मेरे बाद ये भी ये तमाशा दिखा दिखा के खा लिया करेगा तो उसने बादशाह को सिखा दिया जैसे ही बादशाह सीखा वापस महल में आया उस बंदे को बुलाया और बंदे को बुला के कहा कि मैंने तो तुमने तो मुझे कहा था कि मैं नहीं सिखाऊंगा तो मैंने कैसे भेष बदल कर जो है वो तुमसे वही काम सीख लिया जो तुम मना कर रहे थे तो उस मदारी ने उसकुरा के कहा कि बादशाह सलामत एक बात बताएं कि अपनी मनवा के सीखे थे या मेरी मान के सीखे हो मेरा तो लेसन ही ये सिखाने का था कि जब इंसान को सीखना होता है ना तो वो बादशाह बन के नहीं सीख सकता उसे ग़ुलाम बनना पड़ता है इसी तरह तलबिल जब तक आप टीचर के गुलाम नहीं बनोगे सीख नहीं सकते सर आपने तब से अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन्हीं में से वो भी हैं जिनका शायद अनसक्सेसफुल हो जाता है और वो भी हैं जिनकी पोजीशन आती है तो आप मेन फ़र्क क्या देखते हैं कि इन दो स्टूडेंट्स में ये मेन फ़र्क है पैशन कुछ करना है कुछ अचीव करना है और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो क्योंकि मैंने अक्सर जगह देखा कि यार किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान को क्या चीज़ चाहिए क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए मैंने एक चीज़ देखी है बंदे में कोई क्वालिटी ना हो सिर्फ उसके अंदर पैशन हो देखिए क्वालिटी कोई भी बंदा पैदा होते साथ ही अपने साथ नहीं लाता है हमें एक चीज़ का फ़र्क समझना पड़ेगा एक होती है एबिलिटी एक होती है केपेबिलिटी hmm. इंसान एबिलिटी के साथ पैदा होता है आंखें हैं एबिलिटी टू सी कान है एबिलिटी टू लेसन हाथ हैं एबिलिटी टू होल्ड समथिंग बट इन तमाम चीज़ों से वो कैपेबिलिटी में जब वो कन्वर्ट करते हैं इनसे फ़ायदा लेना वो वक्त के साथ मेहनत करके वो हासिल करता है हार्ड वर्क जी वो वो मेहनत करता है और अपनी एबिलिटी को कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करता है यानी अपने फ़ायदे में कन्वर्ट करता है तो वट सीन इज़ कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपना टारगेट अचीव किया है उनके अंदर डेडिकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है मैं क्लास में देखता हूँ उनको कि वो बहुत पैशनेट होते हैं वो जब उन तीन घंटे या दो घंटे की क्लास में बैठे होते हैं ना तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि इस वक्त उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या है साथ वाले को हंसाना <laughs> या जो पढ़ने आया है वो पढ़ना वहीं से पता चल जाता है कि दिस गाय इज गोइंग टू हिट हिज टारगेट गायन लेटर सर हार्ड वर्क तो करते ही हैं लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कि कितना पोर्शन इसमें लक भी अपना प्ले करती है कितना रोल लक का होता है क्योंकि दोनों चीज़ें हमें तो ये लगता है साथ साथ चलती <laughs> हैं लेकिन एक इंग्लिश की बड़ी ज़बरदस्त सेइंग है कि आई एम अ स्ट्रॉग बिलीवर ऑफ लक बट आई हैव फाउंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर आई हैव ऑफ इट मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि किस्मत जो है ना वो मेहनत का फल है जो इंसान मेहनत करता है ना अल्लाह ताला उसको रिवार्ड में किस्मत देता है तो जब इंसान मेहनत करता है तो किस्मत ऑटोमेटिकली उसके फेवर में शुरू हो जाती है mm -hmm. और आई ऑलवेज से कि आप मेहनत से सॉरी किस्मत से किसी डॉक्टर के घर में पैदा हो सकते हो लेकिन किस्मत से डॉक्टर नहीं बन सकते हो टू बिकम द सेम लेवल ऑफ डॉक्टर यू हैव टू वर्क द सेम लेवल आपको उसी लेवल का काम करना पड़ेगा सो so, uh, 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 आप मेहनत को स्किप कर दें देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लक और दूसरी बात एक और चीज़ है देखो एक इंसान अरबपति बन पैदा हो जाता है किस्मत से मुझे बताएं किस अरबपति को ज़्यादा मजा आएगा जो मेहनत से अरबपति बनाओ या जो किस्मत से बनाओ जो मेहनत उस से पैसे की सेटिस्फेक्शन किस बंदे को ज्यादा होती है उस बंदे को जिसने वो मेहनत से वो अचीव किया तो किया अगर इन लेट से, से मैं मान भी लूँ कि किस्मत किस्मत से तो किस्मत से चीज़ जो है ना वो मिल जाती है और मेहनत से भी मिल सकती है मेरे पास अगर चॉइस हो कोई मुझे कहे कि किस्मत से चाहिए या कि मेहनत से चाहिए तो मैं कहूँगा मुझे मेहनत से चाहिए देखिए उस वो वो नींद वो नींद भी तभी मजा देती है जब थकन हो इट इस थकन के बाद आप सोते हो ना तो उसका अपना मज़ा होता है तो मेहनत के बाद जो चीज़ मिलती है उसका अपना मज़ा होता है उसका टेस्ट होता है सर अब जैसे पोजीशन होल्डर्स तो आते हैं मेहनत से पैशन से लेकिन जो अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं आपको क्या लगता है जो मेन गलतियाँ वो कर रहे होते हैं पेपर के लिहाज से भी और जनरली भी तो वो क्या है क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन लोगों को देखिए सबसे पहली चीज़ यह है कि हम आ, फेलियर कहते कैसे हैं मैं मेरा मेरा मानना ये है फेलियर इज़ जस्ट रिपीटिंग द मिस्टेक मेकिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक इट्स इट्स द रिपीटिशन ऑफ द मिस्टेक दैट इज़ अ मिस्टेक क्योंकि रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक का मतलब है आपने सीखा नहीं और अगर आपका जिंदगी का कोई भी लम्हा बगैर सीखे गुजर गया वो फेलियर है तो अगर आपने 50 स्कोर करना था आपने नहीं स्कोर किया ये फेलियर नहीं है ये फेलियर नहीं है इट्स अ फीडबैक कि यू डिट डू वट यू आर सपोज टू बी डूइंग सो सिट एनालाइज योर अपने आप को चेक करें आप आप देखो कि फिफ्टी क्यों नहीं आए और अगर आपने इस प्रोसेस से ये सीख लिया कि आपके 50 क्यों नहीं आए तो आप सक्सेसफुल हो फोर्टी नहीं तय करना आप कामयाब हो या नहीं हो आपका जो एटीट्यूड है वन यू डोंट हिट द टारगेट तो जो आपका एटीट्यूड है उसके उसके रिस्पॉन्स में वो बेसिकली तय करता है आप फेल आप, आप हुए हो या आप सक्सेसफुल हो तो अगर आप वापस उठते हो और आप देखते हो कि यार ये मेरी वीकनेसेस थी ये मेरी गलतियाँ थी अब मैंने ये सीखा है अब मैंने इसको अप्लाई करना है अब मैंने दोबारा अपने टारगेट को हिट करना है इट्स गुड टू फेल अ टाइम्स इट्स गुड दैट यू डोंट स्कोर फिफ्टी क्योंकि जो बंदा फोर्टी नाइन पे फेल होता है ना अगर वो सही मानों में अपने आप को एनालाइज़ करें ठीक है तो उसको वीकनेसेस नज़र आएंगी और वो उसको दूर करेगा तो आगे उन वीकनेसेस से जो बड़ा नुकसान होना तो उससे बच जाता है लेकिन जो बंदा फिफ्टी पे जस्ट एक मार्क्स से पास हो जाए वो अपने आप को पास कंसिडर करता है और वो जो फिफ्टी परसेंट उसके नहीं आए हैं जिन वीकनेसेस की वजह से उसके ऊपर से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं वो वीकनेसेस ने आज तो उसको डेंट नहीं पहुंचाया बट वो वीकनेसेस लाइफ में शायद आगे उसको नुकसान ज़्यादा बड़ा पहुंचा सकते हैं सो बाय गेटिंग फोर्टी नाइन मार्क्स और फोर्टी सिक्स मार्क्स डोंट गेट डिसार्डेड कभी भी नहीं मैं मैंने सी का एंट्री टेस्ट दिया पहली दफ़ा उस वक्त सी का एंट्री टेस्ट होता था आई फेल्ड एंड आई फेल्ड बिकॉज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स तो मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स को पिक करने में प्रॉब्लम होती थी तो आई बॉट अ बुक एंड मैंने दिन रात एक कर दिए मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, करने में करने में करने में करने में बहुत मेहनत की मैंने देन आई पास द सी एंट्री टेस्ट जब मैंने पास किया तो मुझे पता चला सी के पहले मॉड्यूल में मैथ्स है <laughs> और मेरी वो जो वहाँ पर मैंने एन टेस्ट फेल किया था उसकी वजह से मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग होगी आई आई पास द सी ए मैथ्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड वो दिन है और आज का दिन है मेरी मैथ्स मेरी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्राग है एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स वाई जो पेपर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप स्टूडेंट्स से पूछ लीजिए करेगा कि कैलकुलेशन उनकी कैसी होती है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फेलियर अगर मैं वो एन टेस्ट शायद पास करता ना तो मैं आगे के सारे पेपर्स जो है ना मेरे फेल हो रहे होते बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस सर पूरी जर्नी आपकी बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह लेकिन कोई ऐसा कोट होगा जो आपको थ्रू आउट मोटिवेट करता होगा कोई ऐसी शेयर हो जाए या कोट कुछ तो वो क्या है देखिए जिंदगी इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउनस आते हैं बाय चॉइस नहीं आते आ, ये नहीं है कि इसकी दुआ करनी चाहिए कि बुरा वक्त आए बट ना चाहते हुए भी आता है वक्त तो मुझे हज़रत अली का एक कॉल बहुत पसंद है बहुत पसंद है जिसमें वो कहते हैं कि परेशानी हालात से नहीं ख़्यालत से पैदा होती है आपके हालात कुछ भी हों बट अगर आपका थाट प्रोसेस पॉजिटिव है तो उस मुश्किल वक्त में भी आप मुस्कुरा मुस्कुरा लेते हो और मैंने देखा है कि एक ही घर में एक ही हालात होते हैं एक भाई बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्सड होता है और वो बड़ी जो है वो आ, क्या कहते हैं बड़े दिल से एक्सेप्ट करता है प्रॉब्लम्स को और फिर उसको चैलेंज के लेके हल कर रहा होता है दूसरा परेशान होकर बैठा हुआ होता है so, सो हालात तो एक जैसे हैं सिर्फ उन दोनों के ख्याल का फ़र्क है सो अप्स एंड आएंगे दैट विल विल बी पार्ट ऑफ लाइफ समटाइम्स यू हैव गुड टाइम्स इन योर लाइफ आएँगे आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त होगा बट आपने एक चीज़ देखनी है बी पॉजिटिव इन वट एवर सिचुएशन यू आर एन सर बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था और मैंने तो आज पर्सनली बहुत कुछ सीखा इस सेशन से और आई एम श्योर के व्यूअर्स ने भी हमारे बहुत ज़्यादा सीखा होगा थैंक यू फॉर टाइम क्या आपने अपने इतनी बिजी इस में से हमारे लिए टाइम निकाला और टू द व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग वी सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट